हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मिडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे हॉलीवुड मूवीज के काफी सारे अपडेट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज्नी की एक और नई अपकमिंग स्ट्रीमिंग सर्विस, यानी कि थॉर में एक एक्टर था सिर्फ, उसके ऊपर भी एक सीरीज बनेगी। तो ये मार्वल फैंस के लिए काफी अच्छी बात है। देन कैप्टन मार्वल का बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर जैसा होगा, बिल्कुल उससे मिलता जुलता। तो आपने बैकग्राउंड म्यूजिक तो सुना होगा विंटर सोल्जर का, वो काफी कमाल का था। इन फ्यूचर गेम बेट मूवी और एक्सपोर्ट्स मूवी कैंसिल हो सकती है रूमर्स के हिसाब से, तो देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होगा। देन कैप्टन मार्वल मूवी अपने फर्स्ट वीकेंड में 160 मिलियन का कलेक्शन कर सकती है, जो कि बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट है, उनका मानना है ऐसा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक्वामैन के प्रोड्यूसर ने ये कंफर्म करा है कि जेडी लॉ का जो कैरेक्टर है वो यॉन्ग रोक का है, तो यानी कि ये कैरेक्टर बिल्कुल अब कंफर्म हो चुका है, जो कि काफी फैंस को कंफ्यूजन था। डिज्नी और फॉक्स की डील मार्च में कंप्लीट हो जाएगी, ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है। देन उसके बाद जो फॉक्स की अपकमिंग मूवी है, यानी कि डार्क फिनिक्स, रूमर के हिसाब से बताया ये जा रहा है कि डार्क फिनिक्स का जो फुल बजट है वो टोटल 200 मिलियन का है। जी हाँ, ये बजट काफी ज्यादा है, और देन काफी लोग कह रहे हैं कि ये मूवी फ्लॉप भी जा सकती है। ब्री लैंसर यानी कि एक कैप्टन मार्वल का भी हाल ही में ब्रेकअप हो चुका है, काफी लोग खुश भी हैं और काफी लोगों को ये न्यूज काफी सैड भी लगी। देन उसके बाद एक्वामैन मूवी फाइनली डीसी की पहली मूवी बन चुकी है, जो कि 1 मिलियन कंप्लीट कर चुकी है, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेचुलेशन फॉर जेम्स वॉन, जिन्होंने इतनी अच्छी मूवी बनाई। देन उसके बाद बम्बलबी मूवी ने अपने 1 वीक में 10 मिलियंस और कलेक्ट कर ली है, जो कि उन फैंस के लिए काफी बड़ी बात है जो कि बम्बलबी और ट्रांसफॉर्म सीरीज के फैंस हैं। देन उसके बाद अभी जाके आप तुरंत फॉलो करिए टॉम हॉलैंड को ट्विटर अकाउंट पर और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे अपना ट्रेलर लॉन्च हो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का तो आपको पता चल जाए। अपकमिंग बैटमैन मूवी में पेंगुइन्स विलेन होगा, पॉसिबिलिटी रूमर के हिसाब से ये बताया जा रहा है। तो पेंगुइन्स काफी अच्छा विलेन है, पर पता नहीं कैसा लगेगा। देन उसके बाद कैप्टन मार्वल मूवी के कुछ मर्चेंडाइज लॉन्च करे गए हैं, जिसमें कि बताया जा रहा है कि सुपर स्कल्स और एक सीक्रेट स्कल्स भी है, तो वो पता चलेगा बॉक्स को खुलने के बाद। हर्ली क्विन का नया लुक लॉन्च हुआ है, जिसमें कि वो स्केटिंग करती नजर आ रही है, यानी कि मार्गरेट। तो मार्गरेट की अपकमिंग मूवी बर्ड्स ऑफ पेरी की है, तो फाइनली तैयारी काफी अच्छी तरीके से चल रही है। रॉक ने फाइनली नया लुक लॉन्च करा है अपनी अपकमिंग मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइज का हॉब्स एंड शॉ, तो काफी अच्छी मूवी है। देन उसके बाद गॉडज़िला के कुछ टॉय लॉन्च हुए हैं, जिसमें कि उनकी पीठ का कलर चेंज कर दिया गया है, पहले ब्लू था अब येलो कलर ऑरेंज टाइप का कर दिया है। देन उसके बाद शज़ाम मूवी के मर्चेंडाइज और ऑफिशियल एक्शन फिगर लॉन्च हुए हैं, जिसमें कि शिवा का फर्स्ट लुक आ चुका है, तो आप जाके मेरे फेसबुक पेज पे देख सकते हैं। उसके बाद बैड बॉयज की फाइनली शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और फर्स्ट लुक वीडियो भी आ चुका है, जो कि मैंने अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दिया है, तो वो भी मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। देन आज का सबसे बड़ा अपडेट एवेंजर्स एंड गेम का, तो सारे टॉयज रिवील्ड हो चुके हैं, जिसमें कि एंट मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर सब इसमें है। तो ये फोटो मैं अभी रिसेंट में अपने फेसबुक पेज पर डालता हूँ, मैंने इससे पहले अपलोड नहीं करा था। देन उसके बाद वॉर मशीन का खुद का नया आर्मर कंफर्म हो चुका है, जिसका नाम है डिस्ट्रॉय, तो काफी अच्छा आर्मर है और इसको भी मैं पोस्ट अभी करता हूँ फेसबुक पेज पे। तो कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पे आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत डालना। बाय बाय, जा रहा हूं।